ये व्याख्या का अगला पड़ाव है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये इस पाठ की व्याख्या का ये अंतिम पड़ाव है। और इस वीडियो में मियाँ नसरुद्दीन की जो लेसन की जो व्याख्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके पहले मैंने पहले की वीडियो में जो बताया था, व्याख्या यहाँ तक हुई थी कि वो अपने ख़ानदानी रुबाब को झाड़ते हैं मियाँ नसीरुद्दीन, और उनके दादा जान, उनके पूर्वज बादशाह सलामत के मेन खान सामे थे। इसका जो है वो उदाहरण भी देते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ तक कि बादशाह का नाम भी नहीं बता पाते कि किस बादशाह के यहाँ खान सामे थे। तो कुल मिला के एक हंसी में आई गई बात हो गई, और आगे की बात आज से शुरू करते हैं यहाँ पे इस वीडियो से। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, अपने से ही वो जैसे कह रहे हो। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। तो इसी बीच एक रहमत मियाँ नाम के व्यक्ति आते हैं, तो उनसे वो पूछते हैं कि रुमाली रोटी के बारे में। मियाँ नसीरुद्दीन पूछते हैं, तो इसी संदर्भ में वो अपनी उम्र का जिक्र करते हैं कि हम तो भाई 70 के हो चुके हैं, हमारे जो वालिद मरहूम मतलब पिताजी थे वो तो 80 के पार गए थे, मतलब 80 की उम्र पार करके उन्होंने इस दुनिया को से विदा लिया था। तो वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि जैसी स्थिति परिस्थिति है, मुझे उतना टाइम मिले ना मिले, मतलब 80 साल की उम्र में पूरी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। आगे कहते हैं कि इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो वो पूछती हैं कि किस बादशाह के बावर्ची खाने में। तो कुल मिला के बात इतनी ही होती है कि वो उस बादशाह का नाम नहीं बता पाते, और वो कहते हैं कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर, पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना, अरे उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ना। अब मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पुलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ज़रूरी है। तो इस तरह से वो अपने नामचीन खानदान के बड़प्पन के बारे में बात करते हैं, और इसमें कुल मिला के वो सफल नहीं हो पाते, वो खींच कर रह जाते हैं जब लेखिका खानदान के बारे में तहकीकात करने लगती है, बादशाह के नाम के बारे में तहकीकात करने लगती है। आगे आते हैं, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाए, बिटर बिटर मतलब बार बार घूर घूर कर देखना, तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब, मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अरे अपने कारीगर और कौन होंगे,
मन में आया, पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन की मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, इस प्रकरण में लेखिका जब आगे बढ़ती है तो वो मियां नसीरुद्दीन इस बादशाह के प्रकरण से हटना चाहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि बब्बन मियां, जो कि इनके शागिर्द भी थे और रेस्टोरेंट में नौकरी भी करते थे, उनसे भट्टी सुलगाने की बात वो करते हैं। तो लेखिका पूछती है, ये बब्बन मियां कौन है? क्योंकि उसके मन में संदेह है कि शायद इनके कोई औलाद हो, जैसे ये अपने पिता के शागिर्दी में यहाँ पे काम करते थे, वैसे इनकी कोई औलाद हो ये बब्बन मियां। तो जब जैसे ही पूछा कि बब्बन, लेखिका ने कि ये बब्बन मियां कौन है, मियां नसीरुद्दीन ने बात को बीच में ही काट दिया और कहा कि ये मेरे कारीगर हैं और इन्हें मैं भरपूर मजदूरी देता हूँ, मैं ऐसे फालतू काम नहीं कराता। लेखिका पूछती कि क्या ये शागिर्द भी हैं? बोले हाँ, सीखते भी हैं, लेकिन मैं इन्हें पूरी मजदूरी देता हूँ। अब लेखिका जो अंदाज़ा कर रही है कि इनको पता चल गया कि ये मेरी औलाद के बारे में हो सकता है पूछ लें, तो अपने मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ का मतलब है कि अपने अतीत की उन घटनाओं को याद करना जो उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लेखिका को दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात उनके जीवन के वे झंझावात, वे आंधियां, वे तकलीफ़ें, वे मुसीबतें जिसकी वजह से उनका परिवार नहीं बस पाया, उनकी कोई औलाद नहीं है, इसी का कष्ट, इसी का दर्द उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लेखिका देखती है, इसी को उन्होंने कहा है दबा हुआ अंधड़। तो इसलिए लेखिका ने इस पूरे मजमून का मतलब, इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे परिवार के लोगों के बारे में ये जानने का, उन्होंने यह जो था वो छोड़ दिया कि परिवार के बारे में, बेटे और औलाद के बारे में पूछने का जो उनका फैसला था वो उन्होंने त्याग दिया। अब आगे वो कहते हैं कि लेखिका पूछती है कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियां को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब मियां नसीरुद्दीन लेखिका से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए अब इस बातचीत में उनकी कोई दिलचस्पी, मतलब कोई रुचि नहीं रह गई, इसलिए वो छुटकारा पाने, मतलब कि किसी तरह बात को ख़त्म करने के लिए बोले। जब वो लेखिका पूछती है रोटियों के बारे में तो कौन कौन से नाम लेते हैं रोटियों के, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी, इन रोटियों के नाम मियां नसीरुद्दीन लेते हैं और फिर उसके बारे में आगे कहते हैं, फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। तुनकी रोटी के बारे में वो कहते हैं कि वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली महीन होती है और वो कहते हैं कि किसी दिन हम आपको तुनकी रोटी बनाकर खिलाएंगे।
अब लगभग यहाँ पे यह इंटरव्यू लगभग ख़त्म होने को आया, लेकिन जब रोटियों की बात आई तो मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक कष्ट, एक दर्द, एक पीड़ा लेखिका को स्पष्ट रूप से नज़र आई। देखिए अंतिम जो पैरा है उसमें क्या कहा गया है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और फिर किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो जमाने और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। इस प्रकरण में, इस पैराग्राफ में अंत में मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक दर्द, एक पीड़ा नज़र आती है। वो लंबी सांसें भरते हैं और कहते हैं कि हम जैसे कारीगरों की, हम जैसे लोगों के गुण की आज समाज में कोई कद्र नहीं रह गई है। आज न कोई इस तरह के कद्रदान के हाथ की बनी हुई रोटियां खाना चाहता है और न ही उन गुणों के हिसाब से उसको कोई सम्मान या उसका जो भी हक बनता हो उसको कोई पे नहीं करना चाहता, उसको कोई देना नहीं चाहता है। अब लोग तंदूर में रोटी पका लेते हैं और हजम कर लेते हैं। कुल मिला के अब लोगों की जीभ में अब वो स्वाद नहीं रहा, अब लोग केवल पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। अब उस स्वाद के कद्रदानों का, उन गुणों के कद्रदानों का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, इसीलिए मियाँ नसीरुद्दीन भी आज के इस माहौल में पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए हैं, पूरी तरह उपेक्षित हो गए हैं, हाशिए पर चले गए हैं और यही पीड़ा उन्हें बहुत सताती है और लेखिका स्पष्ट रूप से देखती है कि यह पीड़ा उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से इंटरव्यू के इस लास्ट सीन में दिखाई पड़ती है।